साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की चलिए तो चलिए सबसे पहले हम मसाला बना लेते हैं अचार के लिए तो यहां पर मैंने लिया है प्लेट के अंदर दो छोटे चाय के चम्मच साबुत जीरा दो छोटे चाय के चम्मच सौंफ डेढ़ छोटा चाय का चम्मच राय जिसे हम सरसों भी कहते हैं एक छोटा चाय का चम्मच मेथी के दाने Uh, दो लीजिए या फिर सवा दो टी भी ले सकते हैं मैं सवा दो टी ले रही हूँ साबुत धनिया आप दो दो भी डाल सकते हैं दो छोटे चाय के चम्मच एक छोटा चाय का चम्मच कलौजी और ये सारी चीज़ों को अब आप चाहें तो मिक्सर जार के अंदर डालकर पीस ले बिना पानी डालकर मैं उखल के अंदर डालकर इसे कूट लेती हूँ दोनों ही सूरतें में चाहे आप मिक्सर जार में डालें या फिर आप उखल में कूटें दरदरा होना चाहिए इसका पाउडर एकदम पाउडर मत कर दीजिए, दरदरा रखिएगा ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना दरदरा है ना अब इसे एक बाउल में निकाल लीजिए और इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार और आधा छोटे का चम्मच हल्दी पाउडर डालकर सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए उसके बाद में मैं यहाँ डाल देती हूँ तीन छोटे चायके चम्मच नींबू का रस वो भी डालकर मिक्स कर लीजिए और अब ना मैं ये जो मोटे मिर्चे आते हैं ना ज़्यादा तीखे नहीं होते फीके वाले होते हैं तो मैंने क्या किया उनको स्लिट मार लिया और अंदर से जो भी बिजे थे ना उसके वो मैंने सारे निकाल कर फेंक दिए ये देखिए और अब ये जो बिजे निकल गए हैं अब इसके अंदर आप ये जो चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से इस मिर्ची के अंदर एक छोटा चाय का चम्मच या आधा छोटा चाय का चम्मच मिर्ची के अंदर ये मसाले डालें और इसे साइड पर रखते जाएं ये देखिए इस तरीके से तकरीबन मैं आधा आधा छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ और ये तकरीबन छः है आप कम भी ले सकते हैं और ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने स्वाद अनुसार ये सारे आप मसाले डाल दें तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं मैं कढ़ाई के अंदर बना रही हूँ तो मैं कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा इसका तेल डाल देती हूँ राय का आप चाहे तो नॉर्मल तेल भी डाल सकते हैं अब जब फास्ट आंच पर गर्म हो जाए तो ये जो मिर्चें हैं ये सारे डाल दीजिए और इन्हें कुछ सेकेंड्स के लिए उलट पलट करते हुए फ्राई कर लीजिए जब स्पॉट्स आ जाए डार्क हल्के हल्के तो आप इन्हें निकाल कर नितार कर साइड पर रख दीजिए आप चाहें तो कुकर के बजाय पतीली में भी बना सकते हैं अब यही सेम तेल के अंदर मैं तीन मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई डाल रही हूँ और इसे फास्ट आँच पर फ्राई कर लीजिए हल्का तेल कम लगे तो तेल डाल दीजिए और तब तक फ्राई करें तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते जब लाइट गोल्डन ब्राउन कुछ देर के बाद तो चर्बी निकाली साथ -साथ टमाटर भी डाल देती हूँ तीन मीडियम साइज के टमाटर थे छील कर मैंने बारीक काट कर डाला आप चाहे तो ग्रेट करके या पीस कर भी डाल सकते हैं सबसे पहले मिक्स कर लीजिए नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार छोटे छाटे चम्मच हल्दी पाउडर दो छोटे के चम्मच धनिया पाउडर और दो छोटे के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कम या ज्यादा मिर्च का मिजान आप कर सकते हैं मिर्च पाउडर का बहुत ज्यादा स्पाइसी हो आपकी तो कम डालिएगा मेरी नॉन स्पाइसी है तो मैं दो डाल रही हूँ मिक्स कर लीजिए और इसे फास्ट आँच पर भूनीये तकरीबन दो तीन मिनट तक भूनिए सो दैट थोड़ा सा मसाला भी भूना जाए जब दो तीन मिनट हो जाते हैं और थोड़ा सा तेल आपको लगे कि छूट रहा है साइड से तो यहाँ पर मैं 150 फिफ्टी ग्राम्स पेटी हुई दही डाल देती हूँ इसे मिक्स कर लीजिए चूल्हा आप चाहें तो मीडियम पे रख सकते हैं अब इस समय और इसे मिक्स करते जाइए और इसे पकने दीजिए तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता अच्छा यहाँ पर ना मैं मुझे थोड़ा सा मिर्च का पाउडर कम लग रहा है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा डाला तो है ये टोटली ऑप्शनल है मेरा नॉन स्पाइसी है तो मैं डाल रही हूँ आप ये स्किप कर सकते हैं एक बार मैंने चला लिया अच्छा जब तक तेल दही भुना रही है तो जो मसाला हमने साइड पर रखा है बचा हुआ ये इसमें ये मैं सारा डाल देती हूँ बस एक छोटा चाय का चम्मच जितना मैंने साइड पर रख दिया है ऊपर से डालने के लिए ये भी डालकर इसे मिक्स कर लीजिए और तब तक भुनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता तो मैंने क्या किया एक दो मिनट तक फास्ट आंच पर इस तरीके से भुना ये सारी चीज़ें डाल दी तो मैंने ढक्कन ढाक दिया और बिना गैस के बिना रबड़ के ढाक इसे स्लो आँच पर रहने दिया तब तक पकाया जब तक तेल नहीं छूट जाता तो स्लो आंच पर जरा अच्छा भुनाएगा ना तो चलिए देखिए तेल ऊपर आ चुका है आप देख सकते हैं दही अच्छी भून चुकी है तो अब मैं यहाँ एक कप पानी डाल रही हूँ नमक अपने स्वाद अनुसार आप एडजस्ट कर लीजिए एक बार चला लीजिए और इसका कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और तकरीबन फास्ट आंच पर तकरीबन समझे ना एक दो सीटी खिला लीजिए देखिए मैंने ये रफड़ लगा लिया रबड़ लगाने के बाद ही उसे ढाकिएगा फास्ट आंच पर एक दो सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके इसे तकरीबन 10-15 मिनट तक स्लो आंच पर रहने दीजिए जब हो जाए 15 15 10 मिनट तो बंद कर दीजिएगा चूल्हे को प्रेशर रिलीज हो जाए तो चेक कर लीजिए वैसे मैंने चेक किया था तो मटर नहीं हुआ था और पानी कम था तो मैंने फिर से एक कप पानी डालकर इसे फिर से तीन चार फास्ट आंच पर सीटी खिला ली अब जब ठंडा हो गया तो इस समय मैं आपके सामने ही खोलकर देख रही हूँ ये देखिए परफेक्टली अब देखने से ही लग रहा है कि गल चुकी है हमारी मटन तो मैंने इस हिसाब से आप देख सकते हैं दो कप पानी डाला हाँ अब ये तो आपके मटन के ऊपर डिपेंडेंट होगा अब आप एकदम सेम एग्जैक्टली मेरे जैसा प्रोसीजर आ, कर रहे हैं तो आप तकरीबन डेढ़ कप पानी डालिएगा और फिर बाद में बीच में खोल कर चेक कर लीजिएगा कम लगेगा तो फिर आप आधा कप और डालकर फिर आ, कुकर ढाक कर इसे सीटी खिला लीजिएगा अच्छा ये जो मसाला है जो सारा बचा हुआ हमने साइड पर रख दिया था उसे मैंने सारा डाल दिया चूल्हा मैंने फास्ट आंच पर चालू कर दिया और ये जो हमने आ, मिर्चे रखे हैं ना अब इन्हें डाल देंगे हम पहले तो एक बार चला लीजिए अब ये देखिए मटन हो चुका है ना जब थोड़ा सा अच्छा एक उबाल आने लगे सालन के अंदर तो चूल्हा मैं कर देती हूँ स्लो आंच और यहाँ पर ये यह जो सारे ये हैं मिर्चें ये सारे डाल दीजिए और ढाक कर स्लो आंच पर दो तीन मिनट पर रहने दीजिए दम पर सो so दैट मिर्च का भी अपना एक कस निकलेगा तो और ज़्यादा डिलिशियस लगेगा और अचारी फ्लेवर आएगा ना मज़ा आएगा और तो अब मैं इसे वापस इसकी रबर निकाल कर इसे ढाँक कर दो तीन मिनट के लिए रहने देती हूँ चलिए दो तीन मिनट हो चुके हैं बढ़िया सा मज़ेदार सा हमारा सालन पक चुका है मटन अचारी थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और चूल्हा बंद करके इसे प्याले में बढ़िया से मज़ेदार से प्याले में निकालें गर्मा गर्म रोटी पराठा फुलका बटर नान किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं वैसे पराठे और बटर नान की रेसिपी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ आप वहाँ चेक कर लीजिएगा बस इसमें एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि मिर्च का जो मिज़ान है वो कम ही रखिएगा क्योंकि ये वाली जो मोटी मिर्चें हैं उसका भी भले ही चाहे कितनी भी फीकी हो इनका भी जो एक स्पाइसीनेस होता है जो तिखास होती है वो निकलती है ग्रेवी में तो बस वही ध्यान रखिएगा बाकी बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और बहुत ही बढ़िया बनती है ये वाली रेसिपी तो है ना मजेदार रेसिपी आज की बनाएं अगर आप ये रेसिपी तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं अच्छा अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है ये रेसिपी आज वाली लाइक का बटन हिट कर दीजिए और अगर उससे ज्यादा अच्छी लग रही है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ये वाले वीडियो के लिंक्स फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ अंटिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज बाय